नगरीय निकाय चुनाव को जल्द कराने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में पूर्व पार्षद ने याचिका लगाई थी। कोरोना काल के बाद आज हुई सुनवाई में न्यायालय ने राज्य शासन व इलेक्शन कमीशन को नगरीय निकाय चुनाव को समय पर कराने के आदेश दिए हैं। पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में इंदौर नगर निगम और राज्य की अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव में हो रही देरी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगलपीठ ने राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव समय पर करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस चुनाव के साथ कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है। फरवरी 2020 में मेरे द्वारा इंदौर के उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव समय पर कराए जाएं, इसका निवेदन माननीय उच्च न्यायालय से किया गया था। उस समय कुछ सुनवाई हुई, उसके बाद कोरोना काल के कारण वो सुनवाई टलती रही। गत सुनवाई पे भी उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित करा था कि आपका जवाब तुरंत प्रस्तुत करें। आज जो है वो राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होते से ही हम चुनाव की तैयारी पूर्ण करेंगे। और माननीय न्यायालय ने, जिसमें 2 डबल बेंच में जो न्यायाधीश थे सुजय पॉल जी और शुक्ला जी, उन्होंने निर्देशित करा है कि आप जल्द से जल्द राज्य में नगरीय निकाय के चुनाव कराएं, जल्द से जल्द आदेश कर चुनाव हो, इसकी बात उन्होंने कही है। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम 3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। इंदौर नगर निगम के वार्ड 71 के पार्षद श्री भरत पारिख जी की ओर से हमने एक याचिका 2020 में प्रस्तुत की थी। चुनाव, नगर निगम के चुनाव और प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं के चुनाव जो समय पर नहीं किए जा रहे थे, 5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगर निगम नगर पालिकाओं के जो समय सीमा है 5 साल का, जो उनका टेन्योर रहता है, उस टेन्योर के 6 महीने के पहले एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। वो 2020 में जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने किन कारणों से जारी नहीं की, जिसके कारण हमने याचिका प्रस्तुत की थी। कोविड के दौरान वो याचिका सुनवाई पर नहीं आ पाई। आज दिनांक वो माननीय न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष वो याचिका सुनवाई पर लगी थी। माननीय न्यायालय ने राज्य शासन एवं स्टेट इलेक्शन कमीशन को अविलंब चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं।